मैं आप सभी के बीच में आया हूं जब पुलवामा में हमारे जवानों पर आतंकवादियों के हमले को लेकर देश आक्रोशित है। एक तरफ देश गुस्से में है तो दूसरी तरफ हर आंख नम है। महाराष्ट्र की मिट्टी ने भी सपूतों को खोया है। खानदेश की धरती से देश के सभी बहादुर सपूतों को और उनको जन्म देने वाली हर मां को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने हमेशा से देश को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी है। वो कुछ नहीं कहते, बस डटे रहते हैं। एक देश के नाते हमारा काम यहीं से शुरू होता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। सरकार की, प्रशासन की तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। भारत नई रीति और नई नीति का देश है, ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा हो या फिर देश के सामान्य जन का जीवन आसान बनाने का प्रयास, सरकार निरंतर अपना काम कर रही है। आज धूले के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण
और शिलान्यास किया गया है। धूले शहर में पानी और सीवेज से जुड़ी परियोजनाएं हो, किसानों के लिए सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं हो, या फिर धूले की कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में आप सभी को इस अनेक विविध योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, धूले के पास देश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर बनने की पूरी संभावना है। ये ऐसी जगह पर स्थित है जहां से देश के अलग अलग शहरों में व्यापार की अनेक संभावनाएं हैं। यहां से कई बड़े बड़े नेशनल हाईवे गुजरते हैं। आज इस कनेक्टिविटी को हमने और सशक्त करते हुए दो नई रेल लाइनों का शिलान्यास किया है। एक रेल लाइन के चौड़ीकरण और बिजलीकरण का भी काम पूरा किया गया है। इसके अलावा तीन नई ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई गई है। यहां आप लोग शायद ही कोई परिवार होगा जिसके साथ सूरत के साथ जाने आने का संबंध न रहा हो। हर किसी का सूरत से नाता रहा है, सहज रूप से आना जाना। आज से 25 साल पहले का जो सूरत था उसको याद कीजिए। आज से 25-30 साल पहले का जो सूरत था उसको याद कीजिए। 25-30 साल में उस समय का सूरत आज कहां से कहां पहुंच गया। मैं धूले वासियों को कहता हूं, मैं अपनी आंखों के सामने 30 साल बाद का धूले देख रहा हूं और ये मेरे शब्द लिख करके हर धूलेवासी लिख करके रखे। आज से 30 साल बाद ये धूले सूरत की स्पर्धा करता होगा, ये लिख के रखिया। इतनी ताकत है। और आज हमने जो बीज बोए हैं ये 30 साल के भीतर भीतर विकास के ऐसे वटवृक्ष बन जाएंगे कि धूले सूरत की स्पर्धा की ताकत के साथ खड़ा हो गया होगा और मेरे लिए वो बड़े गर्व की बात होगी। आप धूले वासियों में आत्मविश्वास है क्या? धूले आगे बढ़ सकता है? धूले सूरत बन सकता है? आप बनाने के संकल्प साथ आगे चलेंगे? भावी 30 साल की योजना बना करके चलेंगे? अगर आप चलने को तैयार हैं तो मैं भी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हूं। साथियों, आज धूले से नरदाना को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पहले चरण के काम की शुरुआत हुई है। भविष्य में यही लाइन मनमाड़ को इंदौर से जोड़ने में मदद करने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 9000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मनमाड़ इंदौर लाइन के बन जाने पर इसका फायदा इंदौर और मुंबई के साथ साथ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, इसके अलावा आज मनमाड़ को जलगांव से जोड़ने वाली नई रेल लाइन का भी शिलान्यास किया गया है।
इसके पूरा होने पर लोगों की सुविधा तो बढ़ेगी ही, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, करीब एक दशक पहले उधना जलगांव रेल लाइन के चौड़ीकरण की फाइल शुरू हुई थी, जिसको अब जाकर पूरा किया जा सका। इस लाइन का दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है और साथ ही इसका बिजलीकरण भी किया गया है। आज ये लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथियों, इस रूट का पहला फायदा तो ये हुआ है कि आपको आज ही उधना नंदुरबार और उधना पालधी पर दो नई ट्रेनें मिल चुकी है। दोनों ट्रेनों को थोड़ी देर पहले ही हरी झंडी दिखाई और वो चल पड़ी। इस समय उधना से भी हमारे साथी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं यहां धूले से अपने उन साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहां भी इसी प्रकार का बड़ा जमावड़ा हुआ है। हमारे रेल राज्य मंत्री वहां मौजूद है, श्रीमान राजेन गोहाई जी। साथियों, इनके अलावा भुसावल से बांद्रा तक चलने वाली खानदेश एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई और सूरत से धुले की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। भाई और बहनों, यहां का एक महत्वपूर्ण विषय है पानी। तापी नदी की जलधारा जिस धुले से होकर बहती है, वो लंबे समय से पानी के लिए तरसता रहा है। पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी, दोनों चुनौतियों को कम करने के लिए आज बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। विशेषकर धुले शहर में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके अलावा यहां जो सीवर सिस्टम बनने वाला है, उससे भी शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, धुले सहित महाराष्ट्र और देश के अनेक हिस्सों में सिंचाई की स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत लंबे समय से लटकी 99 सिंचाई परियोजनाओं को पर काम किया गया, जिसमें से 26 परियोजनाएं सिर्फ महाराष्ट्र की है। भाइयों और बहनों, आज जिस लोअर पंजारा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है, वो इन्हीं 26 प्रोजेक्ट में से एक था। इस पर 35 वर्ष पहले काम शुरू हुआ था और तब इसको 21 करोड़ रुपए में तैयार होना था। आज ये प्रोजेक्ट 550 करोड़ से ज्यादा खर्च करके पूरा कर दिया गया। साथियों, महाराष्ट्र में पानी की कमी और इससे होने वाले सूखे से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मराठवाड़, बीदर और महाराष्ट्र के दूसरे सूखाग्रस्त इलाकों के लिए भी कुल 91 सिंचाई परियोजनाओं को विशेष रूप से मंजूरी दी गई है। करीब 14,000 करोड़ की इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो इनसे 4.25 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जा सकेगा। भाइयों और बहनों,
सिंचाई और रेल की इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में आपके सांसद और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष भामरे जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो जब भी मुझे मिलते थे यहां के सूखाग्रस्त इलाकों की चिंता हर बार उनकी बातों में झलकती रही है। सुलावड़े जामफल कानोली सिंचाई योजना के लिए वो लगातार पीछे लगे रहते थे। इस परियोजना को लेकर पिछले दो दशक से सिर्फ बातें चल रही थी। 2400 करोड़ रुपए की ज्यादा से की लागत के इस प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है। इस प्रोजेक्ट में तापी नदी से पानी लाकर यहां के अनेक गांवों को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा, जिसका फायदा हजारों किसानों को मिलेगा। साथियों, किसानों को सिंचाई से जोड़ना हो या फिर सूखे या बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से बचाना हो, केंद्र सरकार ने साफ नियत के साथ किसान हित में काम किया है। भाइयों और बहनों, किसानों और पशुपालकों को सशक्त करने के लिए इस बजट में भी केंद्र सरकार ने बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ऐसे किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनके बैंक खाते में हर वर्ष केंद्र सरकार 6000 रुपये जमा करेगी। इससे मेरे किसानों को समय पर खाद खरीदने, बीज खरीदने, कीटनाशक खरीदने में मदद मिलेगी। साहूकारों से उनको ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। साथियों, इस योजना के तहत अगले 10 साल में किसानों के लिए खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपया जमा किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि पशुपालकों को भी अब फसली ऋण की तरह किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण की सुविधा मिल पाएगी। इससे हमारे दूध उत्पादकों, डेयरी उद्योग को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और गांव में ज्यादा आय आने वाली है। साथियों, गाय को लेकर तो धुले का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज जहां ये सभा हो रही है, ये गोमाता की ही जमीन है। महान स्वातंत्र सेनानी रामेश्वर पोद्दार जी ने अपनी 14 एकड़ जमीन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दी थी। धूले की इसी परंपरा को अब और एक शक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने इस बजट में गौ माता और गौ वंश की सेवा और उनके संवर्धन के लिए काम धेनु आयोग बनाने का फैसला किया है। ये आयोग पशुधन से हमारे गांवों के सशक्तिकरण की दिशा में अहम रोल निभाएगा। साथियों, गांव हो, गरीब हो या फिर हमारा आदिवासी, केंद्र जी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को हम जमीन पर उतारने पर जुटे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना पीएम जय का महाराष्ट्र के गरीब, वंचित, शोषित और आदिवासी परिवारों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। इसके तहत अभी तक देश में 12 लाख से ज्यादा गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिसमें से महाराष्ट्र के 70,000 से अधिक और धूले के लगभग 1,800 मरीज ने इसका लाभ लिया है। हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने वाली इस योजना से लाखों गरीब
वंचित आदिवासी परिवारों में एक नई उम्मीद जगी है। अभी यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां पर आयुष्मान योजना के जो लाभार्थी हैं उसमें से कुछ लाभार्थियों को मुझे मिलने का अवसर मिला। पहले किस तरह इलाज का खर्च सोचकर वो इलाज टाल देते थे, बीमारी झेलते थे, मौत का इंतजार करते थे, लेकिन पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन जैसे उनको आयुष्मान भारत योजना का पता चला, उन्होंने उसका लाभ लिया और आज कैसे आयुष्मान योजना ने उनके जीवन को बचाया है, एक नए सपनों के साथ। आज उनसे मैं जब बात कर रहा था तो उनकी आंखों में वो चेतना नजर आती थी, नए सपने बुन रहे थे। मैं सचमुच में उनकी बातें सुनकर के मन को इतना समाधान हो रहा था। उनके आशीर्वाद मुझे वो ताकत दे रहे थे कि मैं इस देश के हर नागरिक के लिए जितना कर सकूं, कभी कोई कमी न रह पाए। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर आप सभी को विकास की परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे खानदेश में सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों की ओर से मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम स्थल से निर्गमन पर कृपया अपने स्थान पर बने रहें।